साथियों नमस्कार, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते हुए तनाव पर और उस तनाव से भारत पे क्या असर पड़ रहा है। अगर देखा जाए लगभग पिछले 40 साल से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। जब ईरान में 1979 की क्रांति हुई उसी के बाद से रह रहकर अमेरिका और ईरान के बीच टकराव होता रहा है। अगर वर्तमान टकराव की बात की जाए तो इसकी शुरुआत होती है लगभग 2010 में। पश्चिमी देशों ने, अमेरिका ने और इसराइल ने यह कहना शुरू किया कि परमाणु ईंधन के शांतिपूर्वक प्रयोग के नाम पर ईरान परमाणु बम बना रहा है, और उसके बाद ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा दी गई, प्रतिबंध लगा दिए गए। उन सैंक्शंस का ईरान की इकोनॉमी पे बहुत नेगेटिव असर पड़ा। जब बराक हुसैन ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो उनकी दूसरी टर्म में 18 अक्टूबर 2015 को एक संधि साइन होती है। एक तरफ ईरान था और दूसरी तरफ दुनिया के 6 बड़े देश थे, अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस, इंग्लैंड और जर्मनी। इस संधि में यह कहा गया कि ईरान सभी परमाणु सेंट्रीफ्यूजों को नष्ट कर देगा और उसके बदले में पश्चिमी देश, चीन, रशिया उसके ऊपर लगाए गए प्रतिबंधों को हटा लेंगे। अब उस समय इस संधि को बहुत ही ऐतिहासिक संधि बताया गया, लेकिन अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने चुनावी कैंपेन के दौरान भी ये बात कहते थे कि अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो वो इस संधि का दोबारा से विश्लेषण करेंगे और दोबारा से इस पे फैसला लेंगे। वो इस संधि को शुरू से ही विफल कहते आए हैं। जब वो राष्ट्रपति चुने गए डोनाल्ड ट्रंप पहली बार, तो उन्होंने मई 2018 में आके इस संधि से अमरीका को पीछे हटा लिया और कहा कि अमेरिका इस संधि को नहीं मानता है और अमेरिका ने दोबारा से ईरान पे प्रतिबंध लगा दिए। लेकिन दूसरी तरफ अन्य यूरोपियन देशों, रूस और चाइना ने कहा कि ये जो अमेरिका ने दोबारा प्रतिबंध लगाए हैं ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन ये बात कह रहा है कि ईरान इस संधि का पूर्ण तौर पर पालन कर रहा है और यही यूरोपियन देशों का भी मानना था। लेकिन उसके बावजूद अमेरिका इस संधि से पीछे एक तरफा हट गया और उसने दोबारा से प्रतिबंध लगा दिए। अमेरिका ने कहा कि भाई अगर कोई भी देश ईरान के साथ व्यापार करता पाया गया तो अमेरिका उस देश के ऊपर भी प्रतिबंध लगाएगा। लेकिन कुछ देशों ने उस समय अमेरिका से बातचीत की जिसमें भारत भी शामिल है, और अमेरिका ने 6 महीने की रियायत दी कि भाई आप 6 महीने तक ईरान से तेल खरीद सकते हैं। उसके बाद उन्होंने फिर कुछ समय के लिए रियायत दी और आखिरकार मई 2019 में आके उन्होंने ये कहा कि अब वो रियायत खत्म कर दी गई जाती है और अगर कोई भी देश ईरान के साथ कोई व्यापारिक रिश्ते बनाता है तो अमेरिका उसके ऊपर प्रतिबंध लगाएगा और उन देशों की कंपनियों को अमेरिका के साथ व्यापार करने की इजाजत नहीं होगी। और डोनाल्ड ट्रंप ने और उनके एडवाइजर ने जब इस संधि को तोड़ा तो उस समय उन्होंने ये कहा कि ईरान द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल्स का परीक्षण किया जा रहा है, इसलिए ये संधि का पालन ईरान नहीं कर रहा है। लेकिन जानकार ये बात बताते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल्स का परीक्षण न करना इस संधि का हिस्सा कभी भी नहीं था। और दूसरी बात, डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन ने यह कहा कि भाई ईरान सीरिया में आतंकवाद को सपोर्ट करता है, इसीलिए अमरीका इस संधि से पीछे हटता है। लेकिन सब लोग ये बात जानते हैं कि ईरान में जो आईएसआईएस के आतंकियों के खिलाफ जो लड़ाई हुई उसमें एक बड़ी भूमिका ईरान की रही। तो अब आके अमेरिका ने मई 2019 में कहा कि अगर कोई भी देश ईरान के साथ व्यापारिक रिश्ते बनाएगा उसके ऊपर अमेरिका प्रतिबंध लगाएगा। अब जो ईरान का जो ऑयल एक्सपोर्ट था वो बहुत कम हो गया और ईरान की जो पूरी इकोनॉमी है वो ऑयल और गैस के एक्सपोर्ट पे ही निर्भर है। इसके बाद कुछ ईरान के जनरल्स ने कहा कि अगर ईरान के तेल को एक्सपोर्ट नहीं करने दिया जाएगा तो ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की खाड़ी को कभी भी बंद कर सकता है। उसके बाद अचानक से कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आती है, अमेरिकन डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि उनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बॉल्टन कहते हैं कि उनके पास एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट है जिसके तहत ईरान तेल टैंकरों पर हमला कर सकता है और अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी उस इलाके में निशाना बना सकता है। इसीलिए अमेरिका ने कहा कि वो यूएसएस अब्राहम लिंकन को और उसके साथ अन्य जहाजों को, अन्य सहायक जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास डिप्लॉय कर रहा है ताकि ईरान को उसी की भाषा में जवाब दिया जा सके। ऐसा अमेरिकी रक्षा मंत्री और अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बॉल्टन ने कहा। उसके कुछ दिन बाद, 2 दिन पहले खबर आती है,
कि सऊदी अरब और यूएई ने कहा कि उनके दो टैंकरों को किसी ने निशाना बनाया है, और उन्होंने नाम न लेते हुए भी इशारा ईरान की तरफ किया, और उसके बाद बिना किसी जांच हुए, ईरान का यह कहना था कि इसकी जांच की जानी चाहिए, लेकिन बिना किसी जांच हुए जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ईरान की तरफ उंगली उठाना शुरू कर दिया। ये पूरे तरीके से एक फॉल्स फ्लैग एक अटैक लग रहा है, ये एक भूमिका तैयार की जा रही है ईरान पर हमला करने की। और यूएसएस अब्राहम लिंकन के बेड़े के साथ साथ जो एक विमान वाहक पोत है, एयरक्राफ्ट कैरियर है अमेरिका का, उसके अलावा इस इलाके में अमेरिका ने B-52 बम वर्षक विमान जो परमाणु हमला करने में भी सक्षम है उनको डिप्लॉय कर दिया, और बाकी फोर्सेस भी इस इलाके में भेज दी। और आज अभी कुछ देर पहले व्हाइट हाउस की तरफ से बयान आया है कि वो अलग अलग मिलिट्री प्लान्स पे चर्चा कर रहे हैं कि ईरान के खिलाफ क्या मिलिट्री एक्शन लिया जा सकता है, उसके तहत वो 1,20,000 फौजियों को ईरान में भी डिप्लॉय करने के लिए तैयार है। तो अब अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की संभावना लगातार बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ ईरानियन जनरल्स, ईरानियन कमांडर्स का भी कहना है कि वो भी तैयार हैं और वो पीछे नहीं हटेंगे और अमेरिका का अंतिम सांस तक मुकाबला करेंगे। तो इस इलाके में युद्ध की संभावना लगातार बनती जा रही है। अगर हम असली कारणों की चर्चा करें कि अमेरिका इस संधि से पीछे जेसीपीओए संधि है, तो ज्वाइंट कमीशन फॉर प्लान एक्शन है, उससे अमेरिका पीछे क्यों हटा, उसके दो कारण हैं। सबसे पहली बात, जो डोनाल्ड ट्रंप की बेटी है इवांका ट्रंप, उनके जो पति हैं जारेड कुशनर, वो उनकी इजरायली लॉबीज के साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, बहुत ज्यादा निकटता है, और बार बार अमेरिका के अंदर भी ये सवाल उठते रहे हैं कि जारेड कुशनर के माध्यम से इजरायली लॉबी अमेरिकन पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस कर रही है, और इजराइल ये चाहता है कि अमेरिका इस संधि से पीछे हटे और बाकी अन्य देश भी संधि का हिस्सा ना रहे। क्योंकि इसराइल की समस्या ये है कि जो सीरिया में जो भी आठ साल तक जो युद्ध हुआ, उसका जो नतीजा आया है कि भाई बशर अल-असद की सेनाएं दोबारा से मजबूत हो गई हैं, इरानियन मिलिशियाज और हिजबुल्ला और रशिया जो सीरिया में गए सीरियन राष्ट्रपति को बचाने के लिए और आतंकियों से लड़ने के लिए, उनकी स्थिति आज के दिन सीरिया के अंदर बहुत मजबूत है इरानियन मिलिशियाज की भी, और बार बार इसराइल हवाई हमले करता है सीरिया में ईरानियन ठिकानों के ऊपर, और जो ईरानियन मिलिशिया है और जो हिजबुल्ला है वो गोलान हाइट्स जो इसराइल और सीरिया का बॉर्डर है उसके बिल्कुल नजदीक तक पहुंच गए हैं। तो इसराइल को ये लगता है कि आगे किसी भी युद्ध की स्थिति में इसराइल को दो फ्रंट युद्ध का सामना करना पड़ सकता है, एक लेबनान की तरफ से और एक गोलान हाइट्स की तरफ से। इसीलिए इसराइल बार बार अनेक प्लेटफॉर्मों पर ईरान को निशाना बनाता रहा। अगर हम बात करें कि इस पूरे तनाव का हिंदुस्तान के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, भारत के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, देखिए जो भारत की ज्यादातर रिफाइनरीज हैं उनका कहना यह है कि उनके लिए ईरान और इराक का तेल अच्छा रहता है एज कंपेयर टू सऊदी अरब के तेल के। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि ईरानियन और इराकी तेल हमारी रिफाइनरीज के लिए ज्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू बाकी अन्य देशों के तेल के। दूसरी चीज ये है, जब हम ईरान से तेल का आयात करते थे और देखा जाए तो ईरान के हम चाइना के बाद सबसे ज्यादा तेल ईरान से आयात करने वाला कोई देश जो है वो हिंदुस्तान ही है। तो जब हम ईरान से तेल आयात करते थे तो उसमें ईरान फ्री इंश्योरेंस देता था और फ्री शिपिंग जैसी सुविधाएं देता था और हमें 60 दिन का समय दिया जाता था पेमेंट करने के लिए, और पेमेंट रुपए में करने का भी हमारे पास ऑप्शन था और कमोडिटी एक्सचेंज का भी ऑप्शन था। तो जब हम रुपए का इस्तेमाल करेंगे तेल खरीदने के लिए तो जो हमारा फॉरेन रिजर्व है उसको हम बचा सकते हैं और उसके सीधे सीधे तौर पे हमारी रुपए की वैल्यू भी डॉलर के मुकाबले अधिक मजबूत होगी और हमारे फॉरेन रिजर्व भी अधिक मजबूत रहेंगे, ज्यादा मात्रा में रहेंगे। और इसके अलावा जो चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल करने की अनुमति ईरान ने भारत को दे रखी है, वो चाबहार पोर्ट हमारे लिए बहुत स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस वाला पोर्ट है। जो चाइना ने पाकिस्तान के अंदर ग्वादर पोर्ट खोला है उसको काउंटर करने के लिए चाबहार पोर्ट हिंदुस्तान के लिए बहुत जरूरी है, और चाबहार पोर्ट के माध्यम से हिंदुस्तान डायरेक्ट अफगानिस्तान से और अन्य सेंट्रल एशिया देशों से जुड़ जाता है। उससे भारत को अफगानिस्तान और अन्य सेंट्रल एशियन देशों के साथ व्यापारिक रिश्ते बनाने में आसानी पड़ती है। वो चाबहार पोर्ट ईरान ने भारत को दे रखा है इस्तेमाल करने के लिए। उसके अलावा आप देखेंगे हिंदुस्तान और ईरान के बीच हमेशा से ऐतिहासिक संबंध रहे हैं।
बात 1990 के दशक की जाए, जब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ने और पूरे पश्चिमी देशों ने मिलकर भारत के खिलाफ कश्मीर के विषय पर यूनाइटेड नेशन में एक प्रस्ताव पेश किया। उस समय भारत के विदेश मंत्री ईरान गए, ईरान के साथ बातचीत हुई। उस समय रफसंजानी वहां के मेन नेता होते थे, उनके साथ बातचीत हुई और ईरान ने यह भरोसा दिलाया कि भारत उसका सबसे करीबी मित्र है और भारत के हितों पर बिल्कुल भी आंच नहीं आने दी जाएगी। और जब यूनाइटेड नेशन में उस प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई तो ईरान ने उस प्रस्ताव का विरोध कर दिया। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज का एक ये रूल है कि उसका कोई भी सदस्य देश अगर किसी प्रस्ताव का विरोध कर देता है खुद से ही, तो प्रस्ताव स्वयं में गिर जाता है। तो इस तरीके से उस हालात में ईरान ने भारत का साथ दिया और वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, पाकिस्तान, अमेरिका, कनाडा, अन्य पश्चिमी देशों द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव पूरे तरीके से विफल हो गया और भारत की एक बड़ी जीत हुई अंतर्राष्ट्रीय मंच पे। इस तरीके से ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो भारत और ईरान के करीबी संबंधों के बारे में जो हमें बताती हैं, जो ये साबित करती हैं कि भारत और ईरान के संबंध सैकड़ों वर्ष पुराने हैं और आज भी बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले अमेरिका ने हिंदुस्तान को यह कहा, भारत को कहा कि भारत वेनेजुएला से तेल खरीदना बंद करे, क्योंकि अमेरिका और वेनेजुएला का 36 का आंकड़ा है। अब भारत की सरकार ने दबाव में आके वेनेजुएला से भी तेल खरीदना लगभग बंद कर दिया या बहुत कम कर दिया। तो इससे भारत की जो एक इंडिपेंडेंट छवि है, जो एक अपनी खुद की जो एक छवि है भारत की कि भाई भारत अपने फैसले खुद लेता है, उस छवि को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है इंटरनेशनल स्तर पर। और ईरान के मामले में भी जिस तरीके से अमेरिकी दबाव के सामने भारत झुकता हुआ दिख रहा है, वो भारत की इंटरनेशनल छवि के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो आज हमने ये बात की कि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव क्यों बढ़ रहा है, उसके असली कारण क्या हैं और उन कारणों का भारत पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और आज के दौर में खासकर जब मेन स्ट्रीम मीडिया इस तरीके से इन डेप्थ कोई एनालिसिस पेश नहीं कर पाता है, उस समय हम जैसे युवाओं की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का सही सही विश्लेषण हम अपने युवाओं के सामने पेश करें। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और इस वीडियो में बताई गई बातों को अपने दोस्तों तक बताएं। आपने हमें सुना, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।